मैं दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, आज रतिया गली आबशार पे आज मैं आया हूँ। और यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और होटल भी बनाया हुआ है रहने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी सीटिंग भी बनाई हुई है। यहाँ से इन्होंने नीचे नीचे तक कुर्सियाँ टेबल रखी हुई हैं। और आबशार है मेन, यहाँ से सारा पानी आ रहा है, तो यहाँ से नीचे जाए जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे तक, यहाँ तक ये जा रहा है पानी। और जो यहाँ का पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, मतलब आप इसमें 5 सेकंड भी अपने पैर नहीं रख सकते, इतना ज़्यादा ठंडा है। आप एकदम से ना ऐसा लगेगा आपके पैर जम रहे हैं। यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी मज़ेदार है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ठंडक होती है और अभी थोड़ी देर के लिए सूरज आया था यहाँ पे, थोड़ी बहुत यहाँ पे गर्मी थी, लेकिन फिर अभी सूरज फिर बादलों में छुप गया है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सारा पानी आ रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के, सब ये नेचुरल व्यू है इसलिए। और यहाँ का पानी इतना ही कोई साफ है कि हम यहाँ से नीचे ज़मीन को भी देख सकते हैं। जिस तरह कुछ पानी होते हैं वो गंदे होते हैं, मतलब मिट्टी मिट्टी होती है, इसमें कोई मिट्टी नहीं है, इसमें बस पूरी ज़मीन, मतलब आपको अंदर तक दिख रहे हैं सारे पत्थर वत्थर सारी चीज़ें, इतना साफ है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये थोड़ी सी खूबसूरत ही मस्जिद बनाई है। ये जो मस्जिद है ये 3 दरख्तों के बीच में इन्होंने बनाई है और लकड़ी से अच्छी तरीके से बनाई है, काफ़ी अच्छी तरीके से और मजबूत भी है ये। तो आए मैं आप लोग को अंदर का इसका व्यू कराता हूँ। ये जो है ये छोटी सी मस्जिद है, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत, यहाँ पे लोग तो आ जाएंगे अच्छे काफ़ी भी। इन्होंने यहाँ पे अच्छे खासे कारपेट डाले हुए और जानेमाज़े डाली हुई हैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। और यहाँ की ग्रीनरी तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह से, हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के। यहाँ पे आगे भी और होटल हैं और रेस्टोरेंट हैं कि यहाँ पे आगे खाना खा लें या स्टे कर लें। और यहाँ पे स्टे करने का अलग ही मज़ा है क्योंकि यहाँ इतना सुकून में पानी की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे परिंदे हैं, बकरियाँ हैं, आगे की साइड पे धुंध भी हो रही है थोड़ी बहुत, ये सारी पहाड़ियाँ हैं, सारी दरख्तों से कवर हैं पूरी।
की आगे की साइड पे दिखाता हूँ फिर मैं आप लोगों को। ये जो जगह है यहाँ पे आगे ये जो रोड है थोड़ी बहुत कच्ची रोड है ये, यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, और ये एक तरीके से हाइकिंग के लिए ये जो ट्रैक है। बड़ा इन्होंने ये होटल बनाया है यहाँ पे, आप स्टे भी कर रही है, फ्रेंड भी है यहाँ पे, इनकी छत पे यहाँ खाना खा रखी है, बिल्कुल दिल का है तो यहाँ नीचे जो मैंने आपको दिखाया। और अभी मैंने भी यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया था, काफ़ी मज़ेदार था यहाँ पे ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट में यहाँ पे पराठा खाया था, ऑमलेट खाया था, चाय थी और काफ़ी मज़ेदार थी यहाँ पे। तो आगे देखते इसी जगह चलते हैं। मैं आप लोग को नीचे की साइड दिखा देता हूँ थोड़ी बार। ये जो पूरा ट्रैक है ये ट्रैक हाइकिंग के लिए है, आगे आगे हाइकिंग करें, मज़े करें। और यहाँ नीचे की साइड पे ये आबशार जा रही है आगे से, तक ये यहाँ से भी फिर आगे तक जा रही है आबशार। यहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, यहाँ पे बहुत से लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, यहाँ पे नहा रहे हैं, बैठे हैं, पिक्चरें खिंचा रहे हैं। यहाँ का जो पानी वो इतना ही मज़ेदार है कि जल चाह रहे कि इसको पी लूँ, लेकिन असल में ये ठंडा इतना है कि अगर मैंने पिया तो भी मेरा सर जम सकता है, पहले इतना ठंडा है कि बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा पानी। ये ऊपर से आ रही है फिर आबशार, वहाँ जहाँ से मैंने आपको दिखाया था यहाँ तक जा रही है, फिर यहाँ से नीचे और कंटिन्यू हो रही है। यहाँ भी इन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है यहाँ पे। दोस्तों अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इतना खूबसूरत मंज़र देख पाएँ, और मेरी वीडियो लाइक कर दिएगा, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। थैंक यू।